नमस्कार, मैं दिबांशी मोइत्रा। KGF 2 के अलावा अगर किसी फिल्म का दर्शक सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं तो वो है RRR। SS राजामौली के डायरेक्शन बनी इस फिल्म का टीजर दर्शकों के बीच रिलीज कर दिया गया। 40 सेकंड के इस टीजर में वो सब कुछ देखने को मिला जिसकी दर्शक उम्मीद लगाए बैठे थे। इस टीजर में रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट की झलक देखने को मिली। इस टीजर को देखने के बाद फैंस ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए जबरदस्त रिएक्शंस दे रहे हैं। कई लोगों ने RRR को अभी से ब्लॉकबस्टर बता दिया। 40 सेकंड का ये वीडियो एक्शन से भरपूर है और ये आपको फिल्म देखने के लिए बेकरार कर देगा। फैंस टीजर को देखने के बाद कह रहे हैं कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शॉर्ट टीजर देखने के बाद फैंस इस फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। वही चलिए दिखाते हैं आपको RRR के टीजर को देखने के बाद लोग कैसे कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, Watched RRR teaser and I must say what a fabulous experience it was. The teaser literally gave me goosebumps. Loved each and every frame. Extravagant and powerful, it is no doubt. SS Rajamouli sir creates magic. RRR is gonna break all record. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, It's gonna be epic. What a powerful teaser, including direction, visuals, background music. I wish there were more of Ajay Devgan's presence. He would have overshadowed everyone. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, Second 2000 C movie from India. वहीं एक और यूजर ने लिखा, RRR थिएटर में आग लगा देगी। All time blockbuster movie होगी अजय सर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बवाल मूवी है बॉस, कांट वेट टू सी यू इन दिस एक्शन। तो देखा आपने, लोगों ने RRR के टीजर को देखकर फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर बता दिया। बता दें कि ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू पर एक काल्पनिक कहानी। 400 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को दुनिया भर में थिएटर्स पर रिलीज होगी। इसी दिन आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी रिलीज हो रही, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया। दोनों ही फिल्मों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। वैसे आपको RRR का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।